बहुचर्चित आसिफा हत्याकांड मामले की आज पहली सुनवाई कठुआ जिला कोर्ट में हुई। इस मौके पर सभी आरोपियों को पेश किया गया। जज के सामने सभी आरोपियों ने बेकसूर होने की बात कही और साथ ही नार्को टेस्ट करवाने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। मंदिर के अंदर ये हादसा हुआ, सब बोल नार्को टेस्ट में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कहा जम्मू जम्मू आरोप है वो क्या सही है? बिल्कुल बेबुनियाद है। हम चाहते हैं नार्को टेस्ट। वहीं कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के आदेश दिए हैं, जिसकी जानकारी बचाव पक्ष के वकील ने दी। हमने सबसे पहले एक दरखास्त दी जज साहब को कि देखिए जब कोई भी जब चालान प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर उसमें ये लिखा जाता है कि भाई साहब ये कापीज इनको दी गई और देनी लाजमी होती है, तब तक चालान प्रेजेंट नहीं होता है। तो 490 पेज का पन्ने का चालान हर मुलजम को ये एक एक कापी मिलनी थी 490 पेज की। किसी मुलजम को भी कापी नहीं दी, चाहे वो नाबालिग है तो चाहे वो दूसरे हैं। लेकिन साथ के साथ मुलजम जो हाईकोर्ट के अंदर पेश हुए थे, जिस वक्त हमने ये दरखास्त दी, जज साहब ने पर्सनली मुलजमों से वेरीफाई किया कि साहब ये आपको कापीज मिली हैं, तो सब मुलजमों ने कहा नहीं। लेकिन आर्डर के अंदर लिखा गया था, जहाँ जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आता है लिखा गया था कि आर्डर की कॉपी दी गई है। हमें नहीं मालूम ये आर्डर बुनियाद क्यों लिखी गई। तो हमने ये जज साहब को कहा कि इसी बात की सीबीआई इंक्वायरी करा लेते हैं, चलिए कि ये आर्डर की कॉपी दी गई कि नहीं दी गई, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन चालान डिफेक्टिव है, आप वापस कर दीजिए। हमारी दरखास्त का फैसला आज अभी जज साहब कहते हैं मैं करूँगा कि भाई कॉपी देनी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम कॉपी कल तक देंगे इनको। तो आप देख लीजिए 28 तारीख तक तो ये वैसे ही लिंगरान हो गया फॉर नथिंग कि कॉपी दी अभी मुलजमों के पास नहीं है, फास्ट ट्रैक क्या होना है? ये क्राइम ब्रांच कौन सा फास्ट ट्रैक करवाने जा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में कि पहले कॉपी दी आपकी तैयार नहीं है, चालान ही आपका तैयार नहीं है, कागज़ ही आपके तैयार नहीं है, साथ साथ मुलजम आपने अंदर ठोक दिए बगैर किसी बात के। तो पहले आप जल्दी क्यों है? देखिए मुझे नहीं पता कि सरकारों की मंशा क्या है, क्राइम ब्रांच की मंशा क्या है, लेकिन कोई भी काम अगर करना है आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर करना है। सुनवाई के बाद आरोपी सांजीराव की बेटी मधु ने इस पूरे मामले को एक गहरी साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इधर कोई पहला दिन नहीं है, चल रहा है वो षड्यंत्र है, रची हुई प्लानिंग है, ये सब तालिब हुसैन का बनाया हुआ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पूरी दुनिया पूरा आवाम जाने, वो बच्ची कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है, उस बच्ची का कोई रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, उस मर्डर की छानबीन सीबीआई करे तब ये केस हल होगा, अन्यथा निर्दोषी फंसेंगे। और अगर आज मेरी बात सुनिए, ये मीडिया को आज मैं बता दूं ये कौन सी मीडिया है, 3 महीने के बाद केस की याद आ रही है, पहले ये मीडिया नहीं थी इधर, कहाँ थी ये मीडिया? आज 3 महीने के बाद मीडिया आ रही है जब केस फाइल किया जा रहा है, कहाँ क्राइम ब्रांच की बनाई प्लानिंग जो लिखी जा रही है, आज मीडिया को याद आ रही है? 3 महीने से कहाँ थी ये मीडिया? हम एक ही चीज मांग रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी, सीबीआई इंक्वायरी से क्या कोई बचता है? मुझे ये बात बता दे, पूरी आवाम बताए, पूरी दुनिया बताए, सीबीआई इंक्वायरी से कोई निर्दोषी बचेगा? जब इंक्वायरी फिर होगी, फिर इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जो निर्दोष है वो बचे। हम नहीं चाहते कि जो अंदर है उनको छोड़ो, हमने एक डिमांड की सीबीआई इंक्वायरी, टोटली सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इस जांच को मानेंगे, फिर चाहे जिसको मर्जी फांसी। जी की अपडेट रहे हमारे साथ।